हमने खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं पे एक रूमी ना देखो। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। ए विश्वामित्री एक गाना गा दे तुम्हारे लिए। आप तनिक बोल दो तो गा दे। कौन सा गाएंगे पता है? हमें तुमसे है कितने गिले तुम बर। ओ नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग आ गए। हम बताए थे ना पिछली खबर में कि विश्वामित्री आई है। ससुर जी ऐसे का देख रहे हो? अब हमारे ससुर जी का है यही गाना। आज संजोग से ना हमारे ससुर जी ही गाना बजाए थे। तो हम विश्वामित्री आई है, पहले जाती नहीं थी ससुराल, अब गई तो 6 महीने के लिए गई, जो अभी आई है। सही कह रहे हैं ना? हम बोले बीच में आते रहने का, तो बोले नहीं हमारे तो पति देव की सेवा करते हैं ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, खाना वाना बनवाती है ससुर हमारे जमाई जी से। अब तो हम बोले मिल बांट के कर लो दोनों पति पत्नी। तो वो तुम्हारे लिए गाना गा रहे थे। हमारे ससुर जी पता नहीं की के लिए ना ये गाना बजा रहे थे, हम तो नहीं जानते हैं, पर ये गाना हमको याद आ गया तुम्हारे लिए गा ले। हमें तुमसे है कितने गिले तुम बरसों के बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया क्या किया तेरा नाम। हमको इससे ज्यादा अगर हम गा लेंगे तो हमारे घर में सब बेहोश हो जाएंगे। आपको पता है उस शर्मा जी नमकीन है ना, उनका ट्रेलर ना आ गया। चलिए पहले दिखाते हैं खबर। शर्मा जी नमकीन का ट्रेलर हुआ रिलीज। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म है प्यार की बिटर स्वीट कहानी। जी हाँ, बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है। वही फिल्म की बात करें तो फिल्म में ऋषि कपूर के अलावा परेश रावल, जूही चावला और सतीश कौशिक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म में ऋषि कपूर और परेश रावल ने शर्मा जी का रोल प्ले किया है। फिल्म शर्मा जी नमकीन का निर्देशन हितेश भाटिया ने किया है। फिल्म 31 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म शर्मा जी नमकीन के 3.25 मिनट के ट्रेलर में यह दिखाया गया है कि बिजी शर्मा के रिटायरमेंट के बाद जिंदगी काफी बोरिंग हो जाती है। वह कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि वह अपने अकेलेपन से दूर रह सके, लेकिन उनके बेटों को उनके कुछ तरीके पसंद नहीं आते। हालांकि काफी कोशिशों के बाद आखिर उनकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। दरअसल वह महिलाओं के किटी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और अपनी खाना बनाने के पैशन को डेवलप करते हुए अपनी जिंदगी में नया रास्ता चुन लेते हैं। इसके बाद शर्मा जी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। बता दें कि ऋषि कपूर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग के बीच ऋषि कपूर की तबीयत खराब हो गई थी। उनके निधन के बाद उनकी फैमिली और मेकर्स ने इस फिल्म को पूरा किया। बाद में ऋषि कपूर के रोल के लिए परेश रावल को चुना गया और उन्होंने ऋषि कपूर की बची हुई फिल्म को पूरा किया। गौरतलब है कि ऋषि कपूर का साल 2020 में 30 अप्रैल को निधन हो गया था। वह 2 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। साल 2018 में कैंसर की बीमारी का पता चलने के बाद ऋषि कपूर इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे और सितंबर साल 2019 में भारत वापस आए थे। उनको 29 अप्रैल को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन 30 अप्रैल को उन्होंने वहां अंतिम सांस ली। तो ये बात है दर्शक लोग, आप लोग ट्रेलर देखे कि नहीं देखे? ट्रेलर देखे नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा। हम भी जरूर से पहले तो जाते हैं ट्रेलर देख कर आते हैं, फिर आपसे नई खबर के साथ मिलते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, आंटी के साथ बने रहिएगा दर्शकों। जयराम जी की।